ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है और अब रुख करते हैं नसरुल्लागंज का, जहां कलेक्टर चंद्र मोहन ठाकुर की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि कोरोना पर पूरी तरह से नियंत्रण के लिए कोरोना कर्फ्यू का पालन बेहद जरूरी है। उन्होंने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने और होम आइसोलेशन के मरीजों के बाहर न निकलने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं टीकाकरण, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के मरीजों के समुचित उपचार के निर्देश दिए। बैठक में एसडीएम दिनेश्वर सिंह तोमर सहित जिला बीजेपी अध्यक्ष रवि मालवीय, राजेश्वर लखेरा सहित अनेक स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। अभी तो हमने इस बारे में चर्चा की है कि अभी भी केसेस की रफ्तार नसरुल्लागंज में अभी भी पूरी तरह से कमी नहीं है, अभी भी केसेस आ रहे हैं, तो हमको और सख्ती करने की जरूरत है। विशेष रूप से कुछ गांव में, धौलपुर में वार्ड नंबर 11 में अभी भी केसेस आए हैं, तो हमें और ज़्यादा अभी हमको निगरानी की आवश्यकता है। अभी 1 तारीख से कोरोना कर्फ्यू खोलने को लेकर अभी कोई निर्णय फाइनल नहीं हुआ है। अभी हम इस सप्ताह में कोरोना के केसेस की पूरी समीक्षा